हमनी के दुनिया में हमनी के सबसे ज्यादा प्यार करे वाला माई भी हमनी के जी। तो माई अगर हमनी के प्यारे करी तेजा तक ना तीजा माई मरबो कैले बिया जी। खेसारी लाल यादव ये गाना बोलो कह दी लोग तो मुँह ले लाई भाके गा दियन तो नो बाजे लगी जी। वही मशीन है। अरे कि देव के दुलारी देखी आ गईली घरे, चल ए धन स्वागत मैया के करे। अरे रथवा से माई के उतारी दए जान कि घीहुआ के दियावा बारी दए जान, आ ओढ़नी से रहिया बहारी दए जान। हमार गाना बंद ना होला, हमार गाना वो है ना जो धान में जहर फेंकल जला पिलुआ मारे खातिर, जो जहर हो गांव देहात हर जगह टोला सब जगह डीजे पीजे पर हर जगह बाजी, उसको बंद करने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया है। मान लीजिए स्ट्राइक बंद को हमको लालच रहता तब ना हम गोड़ पे गिरते जी कि हमारा गाना हटा दीजिए भैया। पूरी में देखी सबके प्रेम से रहे के बा और केहू के बारे में केहू के गलत सब हम लोग भोजपुरी एक जी, होंगे जी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध भी किया है हम लोगों का तो मनीष कश्यप जी हैं जी। हाँ, मनीष कश्यप जी ने हमारा विरोध भी किया है खेसारी भैया का, लेकिन हमारा विरोध करने वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं जी, वो भी हमारे भाई हैं। अगर हमारी गलतियों को हमारी ऐसी कुछ गाने हैं जिससे उन्हें तकलीफ लगा हो तो ये आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है, कोई भी कर सकता है जी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं उसका भाई दोस्त राजन शाह और आप लोग देख रहे हैं छपरा मिरर और रिपब्लिक बिहार। हमारे साथ में जुड़े हैं भोजपुरी के किंग राइटर यानी अखिलेश कश्यप जी। अभी इनका गाना एक ब्लॉग चल रहा है जो अन्नपूर्णा फिल्म्स पर था कि ओढ़नी से रहिया बहार दे जान, वो अभी अन्नपूर्णा फिल्म से हट गया है। आखिर क्या रीज़न था कि हट गया है? सबसे पहले तो मेरे चैनल पर स्वागत है। छपरा मिरर और रिपब्लिक बिहार देखे वाला सबके प्रणाम बा। और गाना ब्लॉक हो गई तब का कह जाओ, अन्नपूर्णा फिल्म भक्ति पे एगो फैटे चलता है 1 मिलियन होके वाला बहुत जी। आखिर गाना अन्नपूर्णा पे जो भी आता है तो कोई बड़ा लेवल पे गाना आता है, लेकिन ये गाना आते ही 2 दिन चला उसके बाद ब्लॉक कर दिया गया। आखिर कौन से कंपनी से ब्लॉक किया गया है? ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा ब्लॉक किया गया। आखिर ये कब तक ये सब सिलसिला चलेगा अनब्लॉक ब्लॉक वाला? अब देखिए इस पे चल रहा है, हम लोग की तरफ से भी कार्रवाई हुई है और कोर्ट में मामला है। जब तक चले अब उनको ब्लॉक करना है वो ब्लॉक करे जी, उनको स्ट्राइक मारना है वो स्ट्राइक मारे, हम क्या करेंगे, बड़े लोग हैं वो लोग जी। अभी आज भी एक गाना आया है खेसारी जी का ब्लू बीट स्टूडियो से जी, और वो भी बाज रहा है एकदम बिल्कुल एकदम धमाल पे धमाल मच रहा है। सब बाजी खेसारी लाल यादव ये गाना ब्लॉक कर दी लोग तो मुँह ले लाई भाके गा दियन तो नो बाजे लगी जी। वही मशीन है जी। और दूसरा बात करते हैं कि खेसारी जी का एक इंटरव्यू देखे थे हम, कि खेसारी जी बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे ना, जब इस इंडस्ट्री में हम नहीं थे तो दूध में पानी मिला कर बेचते थे कि 1 किलो में 100 ग्राम। मनीष भी आया जो इंटरव्यू लिए थे और बता रहे थे कि एक हम मूवी हम जो शूट करने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, जो कि एकदम पारिवारिक होगा। हाँ, वो सिनेमा का काम चल रहा है। हाँ, और वो सिनेमा बहुत नेशनल अवार्ड के लिए हम लोग को भरोसा है कि जी किया जाएगा, और खेसारी भैया उस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो अभी तो जितने भी सिनेमा अभी तो मैंने भोजपुरी में सिनेमा घर खेसारी जी के चलते चल रहा था भाई, सच्चाई बा जी। कि अगर किसी का सिनेमा आ रहा है ये भी लग रहा है कि भोजपुरी सिनेमा हॉल में लग रही है तो वो सिर्फ खेसारी लाल यादव का उस पर रिकवरी हो रहा है जी। बाकी भी स्टारों का तो सिनेमा किसी का लगता भी नहीं है, आता ही नहीं है पर्दे पर, और किसी का आता है तो 1-2 दिन में निकल जाता है। तो हाँ, सब लोग अपना सब्सिडी अपना पूरा बेच बाच के अपना पूरा फिल्म कराई तो सब लोग कमा रहा है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को अगर जिंदा कोई रखा है तो हमारे खेसारी लाल यादव जी। जब भी आता है खेसारी जी का मूवी तो हॉल में लगातार कई दिनों तक ले एकदम हॉल पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन खेसारी जी बताए हैं कि मेरे ही चलते हॉल आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा जिंदा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा वो सिनेमा को पहली प्राथमिकता देते हैं और हम लोगों को खुशी भी है कि हमारा सुपरस्टार को लोग हर फ्लेवर में पसंद करते हैं जी। कोई गाना में पसंद करता है, कोई सिनेमा में पसंद करता है। आज खेसारी लाल यादव मतलब ग्लोबल स्टार होना, ट्रेंडिंग स्टार मतलब लोगों मिलना सबके लिए, तो वो चीज़ें हैं। उनकी डांस परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनकी फाइटिंग अच्छी है, उनकी कॉमेडी अच्छी है, तो हर तरह से वो परिपूर्ण बंदा है, तब वो आगे है यहाँ तक। और दूसरा बात करते हैं कि मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि
पहले नंबर तो ऐसे एक मनीष कश्यप एक ऐसा आदमी है जो कि हर लेवल पे लोग जानता है और खेसारी लाल को, और मनीष कश्यप बता रहे थे कि पहले आप ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी जी को और दूसरे बात मैं ही हूँ, इसमें क्या लोग बोल रहे हैं कि कुछ कुछ विवाद भी कर रहे हैं इस पे? विवाद क्या है, सही में मनीष कश्यप जी हमारे बड़े भाई है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं जी। हमारे यहाँ हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है और हम लोग जब एक बार याद है हमको कि हम लोग चंडीगढ़ में थे तो आज से एक महीना पहले जब सपना चौधरी के साथ हम लोग गाना शूटिंग करने गए थे तो मनीष भैया का हम लोग लाइव देख रहे थे, हम थे और खेसारी भैया थे, विवेक भैया थे जी जी। तो हम लोग उसी दिन बात कर रहे थे कि ये बंदे में दम है और एक बार, क्योंकि मनीष भैया हमेशा बोलते थे कि हम लोग कभी मिलते हैं, कब ऐसा दिन आता है कि हम दोनों भाई मिलेंगे जी। तो आज मुझे लगता है 5 दिन पहले गोरखपुर में मनीष जी गए थे और भैया से मुलाकात हुई, तो खेसारी भैया उनको बहुत देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध भी किया है हम लोगों का तो मनीष कश्यप जी हैं जी। हाँ, मनीष कश्यप जी ने हमारा विरोध भी किया है खेसारी भैया का, लेकिन हमारा विरोध करने वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं जी, वो भी हमारे भाई हैं। अगर हमारी गलतियों को, हमारी ऐसी कुछ गाने हैं जिससे उन्हें तकलीफ लगा हो तो ये आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है, कोई भी कर सकता है जी। हाँ, हमनी के दुनिया में हमनी के सबसे ज़्यादा प्यार करे वाला माई भी है हमनी के जी। तो माई अगर हमनी के प्यारे करी तो एजा तक ना आती जा, माई मरबो कैले भी है जी। बाबूजी मर लहूँ बने, दुलर लहूँ बने, आज एजा तक पहुँचल बने, तो मार और तकरार दोनों है। तो मनीष कश्यप जी हम लोग को प्यार भी करते हैं और समय पर हमारा विरोध भी किए थे वो, तो ऐसे नहीं होता है, वो हमारे भाई हैं और हम लोग उनकी जो रास्ते हैं, जो उनके विरोध करने के तरीके हैं, उनको सलाम करते हैं जी। क्योंकि सच्चा इंसान वही होता है जो सच्चाई के लिए लड़ता है, जो सही चीज़ों के लिए लड़ता है। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव के साथ मनीष कश्यप ने फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बना लिया, तो अब खेसारी लाल यादव के पास चाहे हमसे कोई गलती होगा तो वह नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मनीष जी को बोलना है जी। और जो भी है चीज़ें जितने भी बदलेगी हमारे भोजपुरी के लिए वो बहुत बड़ा चीज़ होगा। तो मनीष कश्यप जी भोजपुरी के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी है कि एक ऐसा तेज तरार मीडिया वाला हमारे भोजपुरी के लिए दो शब्द बोल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो हम लोग को खुशी। मनीष कश्यप जी बताए थे कि हम लोग दोनों बाद में मिलकर कुछ ऐसा करें कि जो बिहार एकदम नंबर वन पे चले जाए और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए राजनीति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में अगर अभी तो ऐसा हम लोग का प्लान नहीं है कुछ गाने बजाने से हट जी, लेकिन बिहार की अगर राजनीति में और बिहार के सेवा करने के लिए भैया को मौका मिलेगा तो उसमें भी सारे लोग हम लोग सहयोग करेंगे और भैया को वहाँ भी हम लोग नंबर वन बना के रखेंगे। हम लोग वो हर बिहार के गरीबों को, जितने भी बिहार के वैसे लोग हैं, जहाँ हम लोग जा पहुँच के उनकी सेवा करेंगे और वो भी एक रुतबा अलग रहेगा अगर वैसा होता है तो। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट प्लान होगा तो हम लोग बताएंगे जरूर जी। आपका जो गाना ब्लॉक हुआ था अभी भी पूरा हर पंडाल में बज रहा है और लोग बोल रहा है कि ये गाना आज भी जिंदा था, कल भी जिंदा था और परसों भी जिंदा रहेगा। वो हमार गाना बंद ना होला, हमार गाना वो है ना जो धान में जहर फेंकल जला पिलुआ मारे खाती, जो जहर हो गांव देहात हर जगह टोला सब जगह डीजे पीजे पर हर जगह बाजी, उसको बंद करने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया है। मान लीजिए स्ट्राइक बंद को, हमको लालच रहता तब ना हम गोड़ पे गिरते जी कि हमारा गाना हटा दीजिए भैया लोग, हमारा गाना ब्लॉक हो गया, हम रोएंगे नहीं रोएंगे जी। हमारा गाना रिलीज हो गया, एक दिन चल गया ना, उसी में सब जगह पहुंच गया जी। आपको ब्लॉक करना है, आपको क्या करना है, हमको लग रहा है 50 चैनल पे गाना चढ़ा है, किसी पे 1 मिलियन है, किसी पे 2 मिलियन जी। हमारा गाना रुके वाला थोड़े रहला, वो बाजत रहे यही तरी बम बम, थोड़ा सा उसको गा कर गुनगुना दीजिए दर्शक के लिए। लड़की कहती है कि अरे कि देव के दुलारी देखी आ गईली घरे, चल ए धन स्वागत मैया के करे, अरे रथवा से माई के उतारी दए जान, उतारी दए जान। तो हमनी के भैया कहले कि घीहुआ के दियावा बारी दए जान, आ ओढ़नी से रहिया बहारी दए जान, गमछा से रहिया बहारी दए जान। इस टाइप का गाना था, बहुत अच्छा अच्छा उसमें शब्द हम लोग लिखे थे, तो गाने को बहुत लोग पसंद किए और हमारा लाइफ में कोई स्पेशल गाना रहे, एक में बड़ी बढ़िया बढ़िया शब्द आदमी लिखले रहे, लागत रहे कि
जहिया लिखत रहनी कि साक्षात माई जी भी हम बैठल बनी और माता का उसमें वर्णन था, बहुत अच्छा गाना था। जितने लोग नहीं सुने होंगे आप लोग एक चैनल पे वो गाना अभी चल रहा है, क्या पता वो भी ब्लॉक हो जाए, 1 मिलियन पहुंचने वाला है अन्नपूर्णा फिल्म भक्ति पे। जी जी, अगर अब 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंची तो ब्लॉग तो करबे करी लोग, लेकिन आप लोग सुनिए और आशीर्वाद पे। आपके साथ और खेसारी जी के साथ में हमेशा विवाद होते रहता है, लोग कंपेयर करता है ऐसा ऐसा कि माने कुछ जब नया आप लोग करते हैं तो आपके साथ में विवाद हो जाता है। विवाद से विवाद लोग के करत करत अभी लोग आदत बना दिल जी। हाँ, लोगों को अब हम लोग को आदत हो गया है कि हमारा विरोध, हमारा मेहनत से अगर कोई बराबरी नहीं करता है जी हमारा विरोध करेगा, क्या करेगा। अगर मान लीजिए हम एक एक गांव के हम मरौरा बानी जाए जी, एक चाहे एक एक कुँ के हम एक बाप माई के हम मरौरा लड़का बानी जाए, हम आई एस बन गए अरौरा गाँवे में खेती करते जी, तो खींच तो बरबे न करी कि कैसे आई एस बन गए। ये जेन्युइन चीज़ है, आप हमारे मेहनत से बराबरी नहीं करेंगे तो आप राजनीति करेंगे, आप हमको जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप राजनीति करके हमको पराजित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हम लोग मेहनत से चलते हैं, आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में उतना दम नहीं है जितना मेहनत में है। हाँ, तो मेहनत बहुत बड़ा चीज़ होता है और हम लोग मेहनती लोग हैं, हमसे राजनीति करके विवाद करके हम लोग का कोई कुछ नहीं कर पाता है। हम लोग ऐसे ही आज हमको लग रहा है कि 12 साल 14 साल से खेसारी लाल यादव, मान लीजिए अभी तो 10 साल से हम जब से भोजपुरी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी के भोजपुरी में गाना बजता है रोड पे बजता है तो खेसारी लाल, ये दुनिया का सत्य है और इसमें भोजपुरी को मानना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ज़बरदस्ती देखिए गाने एक बजना एक कंटिन्यू बजना है। अब ऐसे लोग हैं जिनके कभी साल भर पे गाने बज जाते हैं और किसी का हर वो दूसरा महीना पहला महीना पे उतना सुपरहिट गाना, हर 200 मिलियन 100 मिलियन गाना जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खेसारी जी हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, हमेशा चाहे दिन कोई भी हो, गाना भले एक महीना आया हो गया चाहे कुछ भी। और लाल घाघरा की बात करते हैं कि लाल घाघरा पर विवाद हुआ था, क्या लाल घाघरा, जैसे एक तरफ खेसारी जी का आया था एक तरफ पवन जी का आया था, उस पर विवाद नहीं हुआ था। वो सिनेमा के गाने थे और सिनेमा में गाना बहुत पहले से गावल जला, सबके पता बा साल भर पहले गवाई रहे, और पवन भैया का गाना अलग था खेसारी भैया का अलग जी। और भोजपुरी में देखिए सबके प्रेम से रहे के बा और केहू के बारे में केहू के गलत, सब हम लोग भोजपुरी एक होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, भोजपुरी आगे बढ़ेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट अब आपके शायद चैनल से कब तक ले आएगा नहीं आएगा। अरे बहुत जल्दी आई, बहुत जल्दी आई, एक बहुत जल्दी फैसला हुई और अभी सारे गा हम भोजपुरी से बहुत तगड़ा गाना होता है, जौना के लॉन्चिंग हमने के 4 या 5 तारीख के करते हैं बंगाल में जी, बहुत सुपर हिट गाना है, उसका मोशन पोस्टर आ गया है, ट्रेंड कर रहा है जी। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहिए, बस ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनौले रही जा और आगे बढ़ावत रह जाए हमने के। थैंक यू बाबा।